मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ जनता का रिस्पॉन्स रिएक्शन कैसा है जो हो रहा है उस पर, खास तौर पर जिस तरह से अस्पताल की रंगाई पुताई पर ज्यादा ध्यान दिया गया बजाय जो घायल हैं उनके या इस घटना के गुनहगारों को घेरने के बजाय वहाँ रंगाई पुताई सड़कों पे पेविंग हो रही है, और दूसरी तरफ जो नेशनल मीडिया या आपके यहाँ भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहलाता है वो जिस तरह से कवर कर रहा है उसको वहाँ के आम लोग कैसे ले रहे हैं? अगर आप जो ये बात कर रहे हैं जो अस्पताल में जो रंग रोगान किया गया और उसके साथ जो शहर की सफाई की गई और खड्डे सभी जगह पे थे वो खड्डे को भरा गया, वो सारी बात को अगर हम नज़र में देखें तो ऐसा आए दिन नहीं दिखने को मिलता है। अभी जिस तरह से काम करता है तंत्र उस तरह से आए पिछले दिनों में काम नहीं कर रहा था वो सभी लोग जानते हैं, तो उसकी वजह से इसकी आखिरी टीका हो रही है, सोशल मीडिया पे भी टीका हो रही है। ठीक है कि अगर उसको अच्छा अच्छा दिखाने की भाजपा प्रयत्न करती है या तो फिर जो भी मीडिया के लोग हैं उसको भी कहीं ना कहीं ऊपर से जिस तरह से सूचना मिलती है उसी तरह से काम करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से वो भी क्या कर सकते हैं। अगर उसको पता है कि ये गलत हो रहा है, अब आप ये सोचिए कि जब यहाँ पे जो भी लोग पूछने के लिए गए कि ये रंग रोगन क्यों हो रहा है अस्पताल में, अभी जब यहाँ पे ट्रीटमेंट की जरूरत है और ये सब, तो वहां पे ऐसा कारण दिया जाता है कि वो जब घटना दुर्घटना बनी थी तब काफी सारे लोग आए थे और वो लोग वहां पे जहाँ पे जगह जगह पे वो पान की पिचकारी और सब थूक के गए हैं, तो उसकी वजह से ये रंग काम करना पड़ा। कैसे वाहियत बोले जाए वैसे जवाब मिल रहे हैं, मतलब तंत्र की भी टीका की जा रही है कि जिस दिशा में उसको काम करना है सही दिशा में काम नहीं हो रहा, ये सब जानते हैं। जब ये घटना बनी, मैं थोड़ी सी घटना की बात पहले आपको रख दूं इसलिए ताकि ये जब रविवार को 6:30 बजे ये घटना बनी ना, तब मैं एक कार्यक्रम में था और 6:30 बजे जब ये घटना बनी है मैं 6:40 को स्पॉट पे था, 10 मिनट के बाद एग्जिट, तब वहां पे 10 मिनट तक तो कोई, पहली 10 मिनट तक तो कोई भी नहीं था, फायर नहीं कोई नहीं, ठीक है। तब वहां पे जो भी लोग नीचे पड़े हुए थे पुल से, किसी का हाथ टूटा हुआ था, किसी का पैर टूटा हुआ था, किसी का सर फूटा हुआ था, वो सब लोग जो थे वही अपने रिश्तेदारों को बचाने के प्रयास कर रहे थे, और जो अंदर पानी में डूब रहे थे वो भी अपनी जान बचाने के लिए काफी तड़प रहे थे। फिर क्या कर सकते हैं वहां पे वो लोग को जिनको तैरना नहीं आता है, कम से कम आधा या पौने घंटे के करीब करीब वहां पे सभी आए। हाँ, तंत्र ऐसा जरूर बोलेगा कि हम 20 मिनट पे वहां पे पहुंच जाएंगे, पहुंच गए थे फायर वाले, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फायर की वहां पे एक गाड़ी आई थी, एक गाड़ी में 4 फायर फाइटर या तो 5 फायर फाइटर होते हैं, वहां पे 500 लोग गिरे थे, 5 फायर फाइटर कितने को निकाल सकते हैं? ये वो बोले ना आंकड़े की मायाजाल जिस तरह से सभी जगह पे दिखाते हैं, इसमें भी ऐसी आंकड़े की मायाजाल दिखाने का प्रयत्न जरूर करते हैं कि हमारी टीम वहां पे 20 मिनट में पहुंच गई थी, लेकिन 500 लोगों को बचाने की कामगिरी नहीं कर सकते, ये छोटा बच्चा भी जानता है, लेकिन ये हकीकत वो नहीं दिखाते। अभी भी आप देखिए आज देश के बड़ा प्रधान यहाँ पे मोरबी पे आए, अच्छी बात है कि यह बहुत बड़ी दुर्घटना है तो उसने इसकी गंभीरता को समझा और मोरबी में आए, लेकिन मोरबी में आने के बाद उसने क्या देखा, क्या सोचा, क्या महसूस किया, या तो फिर अधिकारियों को क्या बोला, उसके लिए उनको मीडिया को संबोधन करना चाहिए था कि सभी जगह पे जैसे कोई राजकीय बात हो तो सीधा मीडिया को संबोधन करते हैं, या तो विपक्ष के ऊपर कोई चोट देने की बात हो तो वो मीडिया को संबोधन करते हैं, तो अभी यहाँ पे भाजपा की सरकार है, लोकल बॉडी में 52 के 52 जो सदस्य है वो भाजपा के है, जिला पंचायत तालुका पंचायत सभी भाजपा का है, तो उसकी वजह से ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तो बड़ा प्रधान है, बड़ा प्रधान जो है वो पक्ष से ऊपर उठ के काम करने की, मेरी ऐसी सोच है कि बड़ा प्रधान है, मुख्यमंत्री है, उसके लिए पक्ष मायने नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये घटना ऐसी है, तो आज यहाँ पे आए हैं तो चलो ठीक है, उसने सबकी मुलाकात की है, तो मुलाकात करने के बाद उसने क्या महसूस किया, एटलीस्ट इतना भी अगर उन्होंने मीडिया को बोला होता तो ये एक बड़ी बात होती कि उसने क्या महसूस किया है। अब ये आए और गए तो उससे ठीक है क्या, मेरे अधिकारी मित्रों के पास जो भी मेरे मित्र है उनसे साथ बात हुई तो ऐसा बोल के गए कि बहुत गंभीर घटना बन हो गई है ये, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें सभी तरह से मदद करने के लिए तैयार है, वो तो वैसे भी उसकी जिम्मेदारी है, वो अपने वहां पे दिल्ली पे बैठ के फोन पे भी बोल सकते थे कि सभी तरह की मदद हम देने के लिए तैयार है, तो फिर यहाँ पे आने का क्या, पूरी जो मशीनरी है आप समझिए कि यहाँ पे जितनी देर के लिए ये
सारे के सारे पुलिस स्टाफ से लेके फायर की गाड़ियां भी उसके पीछे पीछे प्रोटोकॉल में लगती है, एम्बुलेंस भी लगती है प्रोटोकॉल में। फिर वो सब जो बचाव राहत की कामगिरी में काम करने के लिए लगने चाहिए थे वो सब सरकारी कार्यक्रम में दौड़ने लगे थे। जी जी, तो ये हिमांशु भाई आपने बहुत अच्छी बात बताई, और मेरा ख्याल है ये जो हमारे दर्शक देख रहे हैं देश भर के अलग अलग हिस्सों से दुनिया से, उनको ये बात समझ में आ रही है। और ये क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरह से, आप वो आदमी है जिसने 10 मिनट के अंदर वो स्पॉट देखा। अब आज एक सवाल उठ रहा है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था, उस जिम्मेदार आदमियों पे क्या कार्रवाई हो रही है, जो दो टिकट बेचने वाले और दो चौकीदार पकड़े गए हैं, क्या उससे काम हो जाता, इसके आगे आपको कोई जांच होती हुई, कोई एक्शन होता हुआ, गुनहगारों को घेरा जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो पूरी दुर्घटना है ना, वो एक बड़ी दुर्घटना है, और मैं इसमें किसी का भी कोई तरह से बचाव हो ऐसा अंदर से नहीं इच्छता हूँ। मेरी लागनी है, मेरी फीलिंग ऐसी है कि सभी को, जो भी दोषी थे इसमें, सबको सजा मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि आपने जिस तरह से बोला, और मैं भी जानता हूं कि इसमें टिकट काटने वाले चौकीदार और कंपनी के जो कर्मचारी है, जिसको इस ट्रस्ट के अंदर मैनेजमेंट के कर्मचारी की तरह दिखाने रखा है, तो उनको पकड़ा गया है, ये सभी बात मैं समझता हूं कि ट्रस्ट के ऊपर अभी जिस तरह से धाबा बोला जा रहा है, तो इसमें सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सरकार अपने हाथ ऊंचे कर देगी, इस तरह से काम चलेगा? सीधी तरह से देखिए आप, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बाद में इस बात को आगे थोड़ा रखूंगा। मेरा छोटा बच्चा है, सपोज अगर मैंने उसको कहीं पे पढ़ने के लिए कोई गुरुकुल में छोड़ा, तो वो बच्चा मेरा होगा या गुरुकुल का होगा? सभी जानते हैं कि वो बच्चा मेरा है। तो उसी तरह से ये झूलता पुल है, वो मिलकत किसकी है? वो मिलकत जो है वो अभी नगर पालिका की है, उसकी मालिकी नगर पालिका की है, और नगर पालिका सरकार की है। सरकार उसको फंड देती है, तो सरकार उसमें इन्वॉल्व हुई कि नहीं? नगर पालिका की इन्वॉल्वमेंट इसमें सीधी तरह से हो सकती है कि नगर पालिका जो है उसकी मिलकत है, तो चलो ठीक है, आपने करार करके जो एजेंसी है उसको दे दिया, लेकिन एजेंसी उसको अच्छी तरह से रखती है या नहीं, उसको चलाती है या नहीं, उसको देखने की जिम्मेदारी किसकी? पालिका के जो भी छूटे हुए प्रतिनिधि है वहाँ पे, जो भी होदेदार है वहाँ पे, पदाधिकारी है, अधिकारी है, उनकी क्या जवाबदारी है? वो लोग क्यों वहाँ पे ये चालू होने के बाद अपनी जवाबदारी समझ के ना गए? आप सभी ने देखा होगा कि इसमें वो चीफ ऑफिसर की जो एक ऑडियो और वीडियो है, वो बोल रहे हैं कि इसकी मंजूरी नहीं थी, और वो बावजूद वो खुला छोड़ दिया था पुल। तो ये खुला छोड़ने से पहले ओरेवा जो ये ट्रस्ट है, उसके ट्रस्टी जयसुख पटेल है, और उन्होंने जब ये रिबिन काटी उसके बाद 24 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो डिटेल थी वो पूरी की पूरी मीडिया में आई थी। कोई खानगी ने इसको रातों रात ये जो है उसका रिबिन काटा है रात के 12 बजे, और नए साल के पहले दिन ये पुल को स्टार्ट हो गया, ऐसी घटना नहीं है। ये घटना 24 तारीख को पहले से ही बोला था कि 26 को खुलेगा, तो तभी ये चीफ ऑफिसर के अपने घर पे सोए हुए थे, तब उसको पता नहीं था कि अभी इसको चलाने की मंजूरी नहीं है। और उसके बावजूद चलो ठीक है, चीफ ऑफिसर अभी जो ऐसा बोल सकते हैं कि मैं आगे पीछे क्या था, लेकिन इसमें तो ये बात बड़ी है कि इसका जो एग्रीमेंट हुआ है लास्ट टाइम मार्च मास में, तो मार्च मास में जब ये एग्रीमेंट होता है तभी यही चीफ ऑफिसर है, तो इसका वो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि मेरे पिछले वाला चीफ ऑफिसर ये एग्रीमेंट करके गया था, एग्रीमेंट भी उसी ने करवाया है। तो ये बात तो सही है कि उसको पता है कि एग्रीमेंट से दिया है, तो वो वहां पे जाके देख तो सकते थे कि वो अच्छा है कि नहीं है, चलाने के लायक है कि नहीं। अगर उसके पास मंजूरी नहीं थी तो बंद क्यों नहीं करवाया? सिंगल नोटिस भी नहीं दिया है। चलो ठीक है कि कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर हो, अगर वो काम नहीं कर सकते हैं तो अपने बचाव के लिए अगर उसने 26 तारीख को एक सिंगल नोटिस निकल के दे दिया होता ओरेवा ट्रस्ट के नाम से कि इसको चलाने की आपके पास मंजूरी नहीं है, तो वो जो अभी बात कर रहे हैं उसको सब मायने रखते हैं और उसको ध्यान में भी लेते हैं। लेकिन जब ये पुल टूटता है उसके आधे घंटे के बाद वो ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि इस पुल को चलाने की मंजूरी नहीं थी, मतलब अपने हाथ ऊंचे कर रहे हैं कि इसमें हम कहीं नहीं है, हम तो दूध के धुले हुए हैं, जो भी है वो सब ट्रस्ट का है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।